स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं डॉक्टर मोनिका वंदानी, चारू का रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। बात करेंगे कि 15 से 21 जुलाई तक समय कैसे रहेगा। सूर्य 16 जुलाई को बदलेंगे, सूर्य जाएंगे कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध जाएंगे सिंह राशि में। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो चलिए देखते हैं ग्रहों की जो स्थिति है क्या कहती है, इन 12 के 12 राशियों पर कैसा रहेगा इन पर प्रभाव। मेष राशि, गुरु ज्ञान की शलाका से जिसने अज्ञान के अंधकार से अंत हो गए लोगों की आंखों को खोली, उस गुरु को नमन, उस गुरु को नमन है। हम सब जो भी हमारे गुरु, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे हरेक, हमारे टीचर्स, उन सब गुरुओं को हमारा नमन है। तो इस गुरु पूर्णिमा में ज़रूर अपना नमन, आप अपने हरेक गुरु को, आपके माता को, पिता को आप अपना नमन जरूर कीजिएगा, अपने ऊपर वाले को जरूर हाथ कीजिएगा। आपके लिए 15 से 21 कैसे रहेगा, आपको प्रोग्रेस मिलेगा हर काम में, आप जो भी करेंगे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, आपको इनकम में बढ़ोतरी होगी, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ में आपको एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, एनर्जी लेवल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वृषभ राशि, आपके फैमिली के साथ आप ट्रैवल करेंगे, करियर में आपके लिए समय अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, आपको धन इकट्ठा करने मिलेगा, पार्टनर के साथ जो मतभेद चल रहा था उसका कोई ना कोई समाधान निकल आएगा, थोड़ा सा आपको लोअर बैक में दर्द रहेगा, अपने लोअर बैक का ध्यान देना है। मिथुन राशि, आपको करियर में आप अपना नाम बनाएंगे, नाम कमाएंगे, स्विफ्ट थिंकिंग से आप कोई ऐसी न्यू आइडियाज लेकर आएंगे जिससे आप अपना बिजनेस में आपको चेंजेस लाएंगे, आपको काम के लिए ट्रैवल जाने का अवसर मिलेगा, पैसा अच्छा कमाएंगे आप, आपका समय अच्छा है, आपको पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का वक्त मिलेगा, हेल्थ में आपके लिए अच्छी रहेगी काफी। कर्क राशि, आपके लिए समय कैसे रहेगा 15 से 21, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, आपको जॉब में छोटी छोटी बाधा आएगी, उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपका मन नहीं लगेगा, आपको बिजनेस में कोई भी अभी एक्सपेंशन नहीं करना है, आपको अलग अलग आइडियाज लेकर आना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके पार्टनर के साथ अपने वाणी पर ध्यान देना है, हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे नरम गरम रहेगी। लियो सिंह राशि, आपको काम के लिए ट्रैवल करने का अवसर मिलेगा, आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा काम के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपको वहां से बिजनेस पर आपको ध्यान देना है, कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आपको थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको आंखों में तकलीफ हो सकती है, तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहे। कन्या राशि, आपके इनकम में अच्छा ग्रोथ होगा, आप जैसा चाहते हैं, आपके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, आपको जॉब में आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पास पैसा आएगा पर पैसा खर्चा भी उतना ही होगा, तो आपको अपने पैसे पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्छा रहेगा, आपके थोड़ा बाहर का खाने पे ध्यान देना है कि बाहर का खाना नहीं खाइए, थोड़ा सा आपको स्टमक इशू हो सकता है। तुला राशि, आपके लिए समय कैसे रहेगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा विदेश से, आपको फॉरेन कंट्री में अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो आपको मिलने के चांसेस है, बिजनेस में आपको धन का बहुत अच्छा मुनाफा होगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी अपने पार्टनर के साथ, हेल्थ में आपको पॉजिटिव एनर्जी से पूरी। वृश्चिक राशि, आपके लिए समय कैसे रहेगा, आपके काम में आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा, आपको ऐसा लगेगा काम में कुछ आपको नया करना है, जॉब में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, बिजनेस में आपके लिए लकी पीरियड रहेगा, आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है, खर्च पैसे आपके पास टिकेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा विवाद विवाद चलता रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ओवरऑल आपको थोड़ा सा रुकावट आएगा काम में, आपको जॉब में आपको काफी स्ट्रेस रहेगा, काफी तनाव रहेगा कि आप कैसे करें काम, और थोड़ा सा आप पे प्रेशर बना रहेगा काफी जॉब में, बिजनेस थोड़ा आपका स्लो रहेगा, अगर जो बिजनेस करते हैं कर्म आपके काम आप करते रहिए, आप अपना बस कर्म करते रहिए, आपका काम चल जाएगा, लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा वक्त कठिन रहेगा, आपको हेल्थ पर आपको काफी ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ मानसिक तनाव के कारण आपके हेल्थ पे आ सकता है। मकर राशि, आप अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे, जॉब में आपको बैक स्टैबिंग हो सकता है, कलीग्स का आपको इसका ध्यान देना है, बॉसेस का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा आपको, बिजनेस में आपके लिए टफ कंपटीशन के कारण आपका थोड़ा सा बिजनेस स्लो रहेगा, पैसा आपके पास किसी को उधार नहीं देना है, ध्यान दें कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, आपके परिवार में तनाव रहेगा, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, आपको अपने और अपने घर में भी किसी सदस्य का ध्यान देना है। कुंभ राशि, एक्यूरस, आपके लिए समय कैसे का, घर परिवार में समय थोड़ा सा मानसिक तनाव बना रहेगा, जॉब में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको ध्यान देना है कि जॉब में आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपका स्टेबिलिटी आ जाए, बिजनेस में आपको मुनाफा है पर पार्टनरशिप में अगर है तो थोड़ा सा आपको वहां पे भी वाद विवाद हो सकता है, मैरिड लाइफ में ईगो के कारण, एक दूसरे के ईगो के कारण आप एक दूसरे में काफी तनाव रहेगा, आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। पीसेस, मीन राशि, देखते हैं उनके लिए कैसे रहेगा 15 से 21, आपको चिंता होगी थोड़ी सी अपने संतान की, उनके बच्चों के, अपने फ्यूचर के लिए, आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप जो जॉब में हैं वहां पे आपको काफी थोड़े बहुत समय से, आपको लंबे समय से परेशानी चल रही है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है, आपको बिजनेस में समय आपके लिए ओके ओके रहेगा, थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, थोड़ा डाउन रहेगा,
मैरिड पार्टनर के साथ आप बात करके जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि उस मानसिक तनाव के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम में इफेक्ट आ रहा है, आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। तो इसके लिए आपके लिए ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। तो ये था 12 राशियों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर अपने गुरु, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए बेहद बेहद अच्छा रहेगा। धन्यवाद।